और इस चुनाव में, इसको मैं उपचुनाव नहीं कहता, इस मध्य प्रदेश के भविष्य के चुनाव में हमारे सभी सीटों पर बीजेपी समझ जाएगी कि जिस जो राजनीति से वो टिके रही वो अब टिकने वाली नहीं है। कैसे कहते हैं मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा, याद है 26 मार्च को 20 लाख करोड़ रुपए आपको कोई मिला, इसको 20 रुपए मिले हुए, इसकी बात तो करते रहे, जब इसका विषय उठेगा वो चीन की बात करेंगे। जब भी कोई चुनाव आता है मुझे ताज्जुब लगता है, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, लोकसभा का चुनाव आया पाकिस्तान निकला है, बिहार में चुनाव है उपचुनाव है चीन निकला है, ताज्जुब है मुझे, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। कैसे ये जनता का ध्यान मोदी की राजनीति, आप सब जो यहां उपस्थित है हमारे संविधान का प्रजातंत्र की रक्षा ये रक्षक है, मुझे विश्वास है आप इसकी रक्षा करें, आप सब जो उपस्थित हुए आप सबका बहुत बहुत और अपने संस्थान का भी आप नाम बताते रहिएगा, अपने नाम के साथ कृपा हो गया से जिनका जन्म भी नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, जब मध्य प्रदेश की बात करते थे तो ग्वालियर की बात, मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर था, कोई इंदौर की बात नहीं करता था, कोई भोपाल की बात नहीं करता था, जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाईकोर्ट था वहां, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता। केवल ग्वालियर की बात है, सालों ग्वालियर में फ्लाईओवर से उपेक्षित, जबलपुर में फ्लाईओवर बन गए, इंदौर में बन गए, मेट्रो की शुरुआत हो गई, ग्वालियर क्यों पीछे? ये बुनियादी प्रश्न है। तो ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाए। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने, हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं, आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगते लगे उससे ज्यादा बंद हो गए, मालनपुर का क्या हाल है, कितने धूम धमाके से मालनपुर की घोषणा हुई थी, कितने धूम धमाके से मालनपुर बना था, कितने उद्योग बचे, ये चित्र आप सबके सामने है, ग्वालियर के लोगों के सामने, और यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कैसे ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर तस्वीर तो आपके सामने है,
तो इसलिए ये बात आज हमें एहसास करनी पड़ेगी। ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसमें से 2-2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 1 महीना सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे, पर 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता का वाह है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दे, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पाए हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई थी। आज की बनी हुई जो नोट की सरकार है, हमारे प्रजातंत्र संविधान के साथ कितना खेल हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी, राजनीति अपने देश में होगी। किसी सांसद या विधायक का निधन हो तो उपचुनाव का प्रावधान किया, पर बिकाऊ हो जाएगा, सौदा हो जाएगा, बोली लग जाएगी, इसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं। और दांव पर लगा है हमारा संविधान, दांव पर लगा है हमारा प्रजातंत्र उपचुनाव में। ये आज हमारे सामने चुनौती है। मेरे जैसे लोगों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए हमें संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित करना है। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम संविधान की रक्षा करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। और यही आज हमारे सामने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार, शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल फोड़ देंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल लग गए। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में, ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही है, बहुत अंतर है मतदाताओं में 2 साल पहले 5 साल पहले में, बहुत अंतर है मतदाताओं में। आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है मतदाता। मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की ये सौदे की सरकार बनी है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कैसे आज हमारा कृषि क्षेत्र पीड़ित है। आज मोदी जी बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं, कल मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि हमने किसानों के हित में जो बात नहीं कही कि हाँ ज्यादा किसानों को MSP मिला, समर्थन मूल्य मिला, कोई शक नहीं, मैं भी कहता हूं, पर उत्पादन कितना बढ़ा। मैं नहीं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को तो पुरस्कार मिला क्यों? उत्पादन बढ़ा क्योंकि सिंचाई सुविधा है। पर जब उत्पादन बढ़ा क्या मंडी बढ़ी? 3-3 दिन खड़े रहते हैं किसान, पुरस्कार तो आप लिया है पर मंडी का खरीदी का आपने क्या प्रबंध किया? किसानों ने क्यों आत्महत्या करी? किसानों की आत्महत्या में जो प्रदेश मुझे सौंपा नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1, आपने सब चित्र देखा, मजदूरों का आपने गुजरात का मजदूर देखा, आपने तमिलनाडु का मजदूर देखा, आपने केरल का मजदूर देखा, मजदूर के। क्षेत्र जो देखे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बिहार के मजदूर का चित्र देखा,
जिसके पास कोई उपाय नहीं। 20 साल पहले नौजवान पढ़ता लिखता नहीं था, गांव में रहता था। जब ये इस कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, आज वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। ये उसके सामने पीड़ा है, कैसी उसकी तड़प है, ये हमें पहचाननी है। और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, पर निवेश तो तब आता है जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होता है। 5 प्रदेशों से घिरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश एक केंद्र बन सकता है। जीएसटी के संशोधन के बाद जब से जीएसटी लागू हुआ, ये पुरानी बात रह गई कि आप मार्केट के पास जाओगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब तो जो सेंटर है आप वहां जाओगे, जहां सेंटर है वहीं जाओगे। पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। बड़े बड़े क्या था इन्वेस्टर मीट, कितने 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, नंबर 1 भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आई, और ये मुझ पर आरोप लगाएंगे। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। आप सब बुद्धिजीवी, इन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था किस प्रकार बनाई, इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समाप्त करने में, सुधारने में मुझे तो समय लगा। तो आज ये बातें हमारे सामने, और कहते थे लोग, कहते हैं मुझे भी कई ने पूछा बहुत दिनों बाद आए, मैं तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूं, मैं राजनीति। पर अब ये जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी है। तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी है। कृषि क्षेत्र पे क्रांति आए, पहले शुरुआत करी, और ये जितना भी बकले, मैं कह रहा हूं बकले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26,00,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी, 53,00,000 किसान। अभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज का कर्जा था, हमने फसल ऋण का कर्जा की बात करी। ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूँ, हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ होना था, वो पात्र नहीं था, जो जिसकी 2,00,000 रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था। उसने कहा था 2,00,000 रुपए तक माफ नहीं। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया, शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53,00,000 कर्जा नहीं माफी, पहचान नहीं सकते कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ये है मैंने शुरुआत करी, पहला किस्त था 2,00,000 रुपए डिफॉल्टर तक का कर्जा माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले, हमने कहा था कि पात्र नहीं, सबसे ज्यादा वो चिल्लाएंगे। जिनके 7,00,000 किसान निकले, जिनके 1 से ज्यादा खाते थे, वो भी मैंने कह दिया था कुछ ना कुछ उपाय। 3 खाते 4 खाते वाले क्या करें, फिर भी हम आगे बढ़े, तिजोरी खाली थी, पर 26,00,000 शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं,
मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। और ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई, ये फरेब की राजनीति बहुत हो गई, ये अब चलने वाली है। मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है, मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है। और इस चुनाव में, इसको मैं उपचुनाव नहीं कहता, इस मध्य प्रदेश के भविष्य के चुनाव में हमारे सभी सीटों बीजेपी समझ जाएगी कि जिस जो राजनीति से वो टिके रही वो अब टिकने वाली नहीं है। कैसे कहते हैं मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा, याद है 26 मार्च को 20 लाख करोड़ रुपए आपको कोई मिला जिसको 20 रुपए मिले हुए? इसकी बात तो करते नहीं, जब इसका विषय उठेगा वो चीन की बात करेंगे। जब भी कोई चुनाव आता है मुझे ताजुब लगता है, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा। लोकसभा का चुनाव आया, पाकिस्तान निकला है। बिहार में चुनाव है, उपचुनाव है, चीन निकला है। ताजुब है मुझे, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। कैसे ये जनता का ध्यान मोदी की राजनीति? आप सब जो यहां उपस्थित है, हमारे संविधान का प्रजातंत्र की रक्षा ये रक्षक है, मुझे विश्वास है आप इसकी रक्षा करें। आप सब जो उपस्थित हुए आप सब ग्वालियर टेम्पल 16 सीटों पर चुनाव है।